Thank you.
Thank you.
हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल बोल से वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की जय जय श्री राधे। सब सब बैठ जा सब के सब जो जहाँ पर वहां पर बैठ जा। संतोष यादव संतोष संतोष यादव बेटी का बेटी लाइफ हरि बोल बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हरि बोल हाथ धर के बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोले हरे कृष्णा से कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे जित 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 प्रभु जी बस बोलो ना बोलो बोलो ये अच्छा चल रहा है। हाँ 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 बंद ही है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंदा बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर के चरण कमल का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ और हमारे पूज्य पाठ श्री भक्ति के दास श्रीधर महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। इतने भक्त लोग आए हुए यहाँ पर माताएं प्रभु लोग वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में अत्यंत प्रणाम करता हूँ। अभी सोमवार को हमारे गुरुदेव के गुरुदेव के गुरुदेव जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शिष्य भक्ति सिद्धांत जगत गुरु शिल प्रभुपादी की त्रिभाव तिथि है। वो इस जगत में आए लगभग 100 साल पहले और उन्होंने बहुत सुंदर उपदेश देकर बहुत सुंदर आचरण के द्वारा बहुत सारे लोगों को इस्कॉन गौड़ी मठ जितने भी हैं बहुत सारे गौड़ी मठ बनाए जितने इस्कॉन मंदिर बने सब उन्हीं की कृपा से उनके शिष्य प्रशिष्य ने मंदिर बनाए और इतना सारा प्रचार हुआ। तो उनकी तिथि है उनकी तिथि हम लोग मनाते सभी मंदिरों में उनका एक उपदेश या एक या दो उपदेश मैं स्मरण कर रहा हूँ आपके कल्याण अपने कल्याण के लिए तिथि का बना के निमंत्रण है। तिथि हमारी हम मंदिर में बनाएंगे सेक्टर 12 में महाराज जी कथा करेंगे सोमवार को 16 दिसंबर को सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक अगर आप लोग आना क्योंकि बहुत ऋण है उनका हमारे ऊपर। एक एक उपदेश उनका ऐसा है यदि जीवन में भी पालन करोगे तो हमारा एक उपदेश से जीवन सफल हो जाएगा। तो उन्होंने आप गौड़ी गीति कुछ है ना हमारी हिंदी में है उस गुरु जी ने कुछ उपदेशों को अपने गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के उपदेश और जगत गुरु प्रभुपाद जी कुछ उपदेशों को उसमें 10-12 उपदेशों को उसमें लिखा हुआ है। तो उस उपदेश में उन्होंने ये लिखा है कि जितने भी मंगल सारे जगत में मंगल का कारण क्या है भगवान का नाम हरि नाम संकीर्तन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जितने भी जगत में दुख है जितने भी जगत में अशांति है और जितने भी जगत में क्लेश है
अगर भगवान के पवित्र नामों को करेंगे जब, तो क्या होगा? हमारा मंगल होगा। क्योंकि तो नाम के बहुत सारे विशेषण बताए, चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादवाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चिंदिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम, आनंदम बुद्धि वर्धनम, प्रति पदम पूर्णमृत स्वादनम, सर्वात्म परम परम विजिते कृष्ण संकीर्तनम। कहते हैं चेत जो हमारा चित्त रूपी जो है ना, चित्त हृदय जो हमारा मन, वो बहुत कलमश होगा कई जन्मों से पाप करते करते, ईर्ष्या करते, क्रोध करते करते, हमारा बहुत जिस हृदय में भगवान जो स्फुरित होते हैं ना, वो होते नहीं। जैसे क्या है, जैसे आईना होता है ना, शीशा, शीशे में बहुत धूल चढ़ी हो, अपना चेहरा देखोगे दिखोगे दिखेगा कोई? तो क्या करना चाहिए, पहले शीशे को आईने को साफ करेंगे तो हमारा अपना छवि दिखाई देगी, हम कैसे हैं क्या। तो हमारा जो हृदय है और हमारी सुंदर जो अजीव आत्मा है, भगवान के नित्य सेवक है, वो हमें अभी ढका हुआ है, और हमारे चित्र रूपी जो दर्पण है उससे भगवान का नाम पवित्र करता है, साबुन सर्फ शैम्पू नहीं करेगा उसको। ये जो शरीर है इसको बाहर शैम्पू लगा सकते हैं, साबुन लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो और जो साबुन जो भगवान जो हृदय में अंदर प्रभाव करता है, हृदय को साफ करता है, वो क्या करता है, भगवान का पवित्र नाम, केतु दर्पण मार्जनम, भव महादवाग्नि निर्वापनम। देखो बहुत अच्छी शिक्षा है यहाँ पर, भव महादवाग्नि। भव क्या है, ये तो महादवाग्नि के किससे तुलना की, महादवाग्नि जानते क्या होती है, संसार में जंगल में आग लगती है ना, अमेरिका के जंगलों में, कनाडा के जंगलों में जब आग लगती है ना, कैसे लगती है वो भयंकर आग होती है, जो फायर ब्रिगेड भी बुझा नहीं सकती। और वो लगती कैसी है, कौन लगाता है उसे, वो जो पेड़ होते हैं और बड़े बड़े, वो आपस में रगड़ के वो अपने आप आग लगती है। तो इस संसार में दुख है ना, दुख का कारण क्या है, वो दुख का कारण क्या है, हमारे आपस में अपनी इच्छा ही, इच्छा द्वेष समुत्थेन भारत, हमें जितने भी दुख मिल रहे हैं इसका कोई भी कारण नहीं है। कोई क्या सास मेरी परेशान कर रही है, या बहू परेशान कर रही है, या अड़ोसी परेशान कर रहे हैं, या पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, कोई भी परेशान नहीं कर सकता। संसार में जितना भी दुख है उसका मूल कारण क्या है, हमारे अपने कर्म। तो महादावाग्नि क्यों बताया इसको, कि जितने भी क्लेश दुख है हमारे पुराने किए जो कर्म है वही सामने आते हैं, वही आके वही हमको दुख देते हैं, बीमारी के रूप में, पड़ोसी के रूप में, मानसिक रूप में, क्लेश जितने भी है वो हमारे कर्म है। इसलिए कोई किसी को दोषी मत बताओ, हमारा इसके कारण ऐसे हुआ, उसके कारण हुआ। तो क्या कहते हैं सुरपाद जी, कहते हैं भगवान का पवित्र नाम करोगे तो ये महादावाग्नि ये भी अपने आप शांत हो जाएगी। महादावाग्नि मतलब बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होनी, बार बार बुढ़ापा आना, बार बार रोग आना। महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका, और क्या जितने भी मंगल है सारे मंगल है। जैसे चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा कृष्ण जैसे शीतलता देती है ना, सूर्य ताप निकला हुआ गर्मी जेठ का महीना, जैसे चंद्रमा निकलेगा उसकी किरणें क्या शीतल ताप देती है। तो भगवान के नाम है, उसकी कृपा जब होगी ना, एकदम सारे मंगल जितने भी मंगल है वो मंगल उदय होने लगते हैं, जितने भी शुभ है वो सारे शुभ होने लगते हैं। श्रेय मंगलम क्या, चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादवाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम। विद्या मतलब जितनी भी विद्या है, सारे विद्या में क्या है, भगवान गीता में उसे बताते हैं राज विद्या राज गुह्यम, जो जितनी भी विद्या है, सारी विद्या, सारा ज्ञान, सब कुछ, सारा जितना भी भगवान का ऐश्वर्य है, सब नाम करने से सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ मिलेगा। और जितना भी आपको आवश्यकता है वो सारा ज्ञान, विद्या वधु जीवनम। वधु के लगाए यहाँ पर कहते हैं, देखो जो नई दुल्हन आती है ना, नई दुल्हन जो आती है वो क्या कहते हैं, घूंघट काटती है ना, लज शर्माती है, मतलब आपस जो जितना बुद्धि आएगी, जिसका ज्ञान मानेगा, अपने सामने अपने को प्रशंसा नहीं करेंगे। तो नाम एक ऐसा चीज है, तो नाम जो होगा ना, नाम की कृपा जैसे जैसे होगी वो अपने को दीनहीन होकर उतना भजन करेंगे, और उतना कोई इसकी पसंद करे वो दुखी हो जाएंगे, और अपने आराम से विद्या वधु से नई वधु की तरह क्या होगा, वो उनके ऊपर सारी विद्याएं के ऊपर आएंगी, और वधु की तरह उनका जीवन होगा, वधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम, और उनका जो दिन पर दिन आनंद बढ़ता ही जाएगा। और प्रति पदम, जैसे नाम का लेना करे, नाम हरे कृष्ण करते जीवन भर, करे नहीं ऐसा नहीं होगा। जैसे संसार में ना, संसार का सुख है क्या, आज तो बहुत सुख लग रहा है,
कल को फिर दुख लगता है। जो व्यक्ति आज सुख दे रहा है, कल को जैसे बच्चा है, हमने बच्चे को पालक पोषण किया, बहुत अच्छा लगा, दूध दूध पिलाया, 5 नर्सरी KG फर्स्ट, जब जवान हो जाता है वही गाली देता, बड़ा क्रोध आता है ना। घर में नई नई बहू आई, बड़ी अच्छी लगी, उसका आरती उतारी, उसको माला पहनाई सब, है अरे 1 साल के बाद ही उसको इतना लड़ाई झगड़ा, उसको भगाने के लिए तलाक आदि आदि करते हैं। तो क्या है, इस संसार का सुख ऐसा है, परंतु क्या है, भक्ति ऐसी नहीं है। भक्ति क्या है, आनंदम बुद्धि वर्धनम, हमेशा बढ़ेगी, हमेशा प्रतिपदम पूर्णम, हर पल नए नए, हरे कृष्ण करोगे दूसरा हरे कृष्ण करोगे नया आनंद आएगा, और कृष्ण कृष्ण करोगे और नया आनंद आएगा, हरे हरे करोगे और नया आनंद आएगा, हरे राम करोगे हरे राम 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 हरे हरे दूसरा मानो तो और नया नया आनंद आएगा। भगवान के अनंत गुण है, भगवान की अनंत लीलाएं है, भगवान का अनंत ऐश्वर्य है, तो भगवान का हर पल नया नया आनंद आता है, करते उनका ऐसा सब होगा, प्रति पदम पूर्णमृत स्वादनम, हर पल में हर पल नया नया आनंद आएगा और वो नाम की कृपा प्राप्त करेगा। ये सब मैंने बहुत संक्षिप्त में बताया, इसका बहुत सुंदर सुंदर अर्थ बताया हमारे बहुत बड़ी टीका है इससे भक्ति विनोद ठाकुर जी की। परंतु ये होगा किसका, हम तो कर रहे हो कि नहीं रहा, तो इसमें रूपा जी ने बताया, शरणागति सुनिचेन तरो रवि सहसुना अमानिना मानदेव कीर्तनिया सदा है। जो इस प्रोसेस से करेंगे उन्हीं का ये होगा, क्योंकि नाम की कोई विधि नहीं है, नाम की यही विधि है। नाम किसी अवस्था में करो, पवित्र अवस्था में करो, अपवित्र अवस्था में करो, बुढ़ापे में करो, जवानी में करो, बचपन में, नाम कल्याण करेगा। परंतु इस विधि से करेंगे ना तो बहुत कल्याणकारी होगा। क्या चार विधि इसमें है, शरणागति सुनिचे, मतलब क्या करो, जैसे घास होता है ना, घास आप घास पे चलो घास झुकती चली जाती है, देखा ना, घास पे पैर रखो घास उग जाएगी, पहले घास के जो तिनका होता है उससे भी हमें दीन हीन बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप पैर हटाओ घास फिर खड़ी हो जाती है, देखा ना, घास का तो कहीं अहंकार आए और फिर दोबारा से आगे नहीं, ऐसा नहीं, तो क्या होगा, अपने को दीन हीन मानो, जो घास के तिनके से भी अभी शरणागति सुनिचे तरो रवि से सुना, जो पेड़ होते ना, पेड़ कितना परोपकार करते हैं, पेड़ कोई पत्थर मारो तो फल देते हैं, अपने आप धूप में खड़े रहते हैं, लोगों को छाया देते हैं, पेड़ में कितना, पेड़ को कितना भी कोई कष्ट दे उसको सुख देते हैं। तो कहते पेड़ से भी सहनशील हो, धूप को सहन करते हैं, बारिश को सहन करते हैं, सर्दी में गर्मी में धूप को सहन करते हैं और लोगों को फल देते हैं। अगर जीवन में मंगल चाहते हैं तो लोगों को परोपकार करो, अगर किसी का कल्याण नहीं कर सकते ना किसी की निंदा मत करो, किसी का कल्याण कर सकते तो करो, परंतु कल्याण नहीं कर सकते तो उसकी निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो निंदा करते हैं ना फिर उनको क्या होता है, भगवान भी क्षमा नहीं करते, इसलिए भक्ति सिद्धांत रूपा जी कहते हैं कि उनका उपदेश है पर स्वभाव की निंदा नहीं करना चाहिए, आत्म संशोधन करना चाहिए, यही मेरा परम उपदेश है, रूपा जी का उपदेश है। अगर कोई इस उपदेशों को पाल लोगे ना तो आपका जीवन सफल, क्या पर स्वभाव की निंदा नहीं करना, आत्म संशोधन करना, ये मेरा उपदेश है, रूपा जी कहते थे। कैसे, देखो जो व्यक्ति इंटेलिजेंट हो ना, दौड़ लगा रहे हैं, 10 बच्चे दौड़ में भाग ले रहे हैं, 100 मीटर की दौड़ है या 500 मीटर की दौड़ है, तो क्या करना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कि दौड़ लगा रहा है ना, 4 व्यक्ति मेरे से आगे हैं, अगर ये देखेगा मेरे को 4 व्यक्ति मेरे से आगे हैं और मेरे को इनसे आगे निकलना है, पर जो ये देखेगा मेरे से पीछे कितने हैं, 6 लोग मेरे से पीछे हैं, जो ये 12 लोग पीछे मुड़ के देखेगा ना वो हार जाएगा। जो ये देखेगा ना मेरे से आगे कितने हैं, 4, अब कितने हैं, 3, अब कितने हैं, 2, आगे की तरफ देखना चाहिए। तो अपना आदर्श किसको बनाओ, जो गुरुदेव को आदर्श बनाओ, बड़े बड़े वैष्णव को आदर्श बनाओ, मैं ऐसा बनूं ऐसा बनूं, पर मैं ऐसा नहीं, जो हमसे छोटे हैं हमसे बराबर है उनकी निंदा भी नहीं करना चाहिए और उनको बार बार पीछे मुड़ के भी नहीं देखना चाहिए, अगर देखोगे तो पिछड़ जाओगे बहुत। आपके गुरुदेव का जैसा आचरण है, गुरुदेव की कथा सुनो, गुरुदेव जैसा आचरण करो, वैष्णव का जैसा सदाचार करो, आप आगे बढ़ जाएंगे, परंतु उनकी बार बार करते रहोगे, आप देखो कहीं मल पड़ा है, सुअर का मल पड़ा है किसी का, अगर आप बच के चले जाओगे ना आप बच जाओगे, अगर आप उसमें लात मारोगे, आप तो पवित्र हो नहा धो के आयो, पर उसमें लात मारोगे तो आपके भी तो लगेगी, आपके भी तो लगेगी। इसलिए कभी भी अगर भक्ति में तो क्या करो, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चर्चा, बस अपना अपना मंगल, अगर हमारा मंगल हो गया तो बस बहुत हो गया, कम से कम किसी का नहीं कर पा रहे ना मंगल तो उसकी निंदा करने का अधिकार नहीं। कृपा जी का यह है, कहते हैं कि गुरुदेव और भगवान ही कर सकते हैं, जो पाप कर रहा है उसको सजा मिलेगी, चिंता मत करो भगवान देंगे ना, देख रहे ना अंतर्यामी परमात्मा।
तो क्या करो सरोपी से हमारी ना मान दे, और क्या करो अपने मान सम्मान की इच्छा नहीं रखो और दूसरों को सम्मान दो, हर व्यक्ति को सम्मान दो। यहाँ तो जैसे वैष्णव लोग कहते हैं ना, मैं किसको यहाँ पर उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माताएं पिताएं भाई बहन सभी को प्रणाम करता हूँ, सबको, क्योंकि सबके हृदय में भगवान का वास है, तो सबको प्रणाम करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, कीर्तन सदारी, जो इन तीन गुणों को करेगा ना वो क्या करेगा भगवान का नाम कर सकता है, और जो नहीं करेगा तो उसको मन में यही रहेगा अरे उसने ऐसा बोल दिया उसने ऐसा बोल दिया, मैं वहां जाके बोलूंगा मैं वहां जाके बोलूंगा उसको ये करना उसको, ये जीवन में ऐसे रह जाओगे। इसलिए क्या करो भगवान का नाम जप करो और इसी प्रोसेस से करो, शरणागति सुनिचेन करो रवि सहसुना अमानी ना मान देन कृष्ण सदारी, जब करोगे तब आनंद आएगा तब सुख आएगा तब शांति आएगी, नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं, और पाप लेके यहाँ का सबका पड़ोसी पड़ोसी सबका पाप लेके आप नरक में ही चले जाओगे। इसलिए यही प्रभुपाद जी का छोटा सा उपदेश है, और भी बहुत उपदेश है, हम लोग कथा सुनाएंगे 16 तारीख को, अभी महाराज जी आए हैं, महाराज जी की कथा आप सुनो, भागवत कथा चल रही है नोएडा में, हम 2 बजे सर्दी है ना लोग अपने घर में जाते हैं, तो मैंने सोचा था हम 12 बजे खत्म करेंगे पर अभी लेट हो गया, अभी महाराज जी थोड़ी कथा करेंगे, अभी महाराज 12 बजे 12:30 हाँ अभी हम प्रसाद ही पाएंगे, कीर्तन भी होगा आरती भी होगी, इसलिए आप ध्यान से महाराज जी कथा सुनो और कथा सुन के जीवन में अपनाने का प्रयास करो, प्रार्थना करो, ठीक है, जो कमी है बार बार गुरु जी के आगे सामने बोलो, गुरुदेव मेरे अंदर एक कमी है, अपनी कमी बताओ, जो डॉक्टर होता है डॉक्टर के रोगी होता है वो किस बड़ी मुश्किल से डॉक्टर के पास नंबर आता है, 100 पेशेंट लाइन में लग रहे 100 पेशेंट, तो डॉक्टर के पास नंबर आ गया तो आप क्या बताओगे, क्यों जी उसको कैंसर उसको टीबी पहले उसको दवाई दो, बताओगे अपने बताओगे ना, बुद्धिमान व्यक्ति क्या है तो तुरंत अपनी बताओगे महाराज मेरे पहले मेरे को देखो मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो मेरा एको चेक करो, बुद्धिमान जो है तो वो नहीं कहेंगे महाराज जी 3rd नंबर पे लग रहा है पहले उसको देख लो मेरे को नहीं, तो इसलिए अपना अपने जो दुख सुख है अपना कष्ट है अपना भजन नहीं हो रहा वो बताओ तो मंगल होगा, दूसरे का बताओ ना दूसरे का कोई बताया ना चिंता नहीं करो, कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब हाथ उठाए बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम गुरुपाद भस्म की प्रभुपाद की जय। हाँ देखो आज है हमारी संतोषी माता जी संतोषी मैया की बेटी की बेटे का आज क्या है इसलिए आज इन्होंने अपना बेटी के बेटे के उपलक्ष्य 2 महीना पूर्ति बा उनके कल्याण के लिए उन्होंने घर में भक्तों को बुलाई घर में भगवान की कथा कीर्तन हो रही है इसलिए कहते हैं ना मंगल भवन इसलिए कहते हैं मधुरम मधुरम मेतर मंगल अंग मंगला नाम सकल निगम बल्ली सक्री दति परिगितम भृगुवर नर मात्र तारयते कृष्ण। देखो कोई भी काम को अगर भगवान के नाम की माध्यम से करो वो काम जरूर बढ़िया होता है। इसलिए बोले भगवान का जो नाम है मधुरम मधुरम मित्र कहते हैं मीठे से भी मीठे भगवान का नाम है और मंगलम मंगला नाम कहते मंगल से भी मंगल भगवान के नाम है। सकृत मतलब एक बार श्रद्धा पूर्वक हो
नहीं तो हेला पूर्वक हो, अगर किसी तरह से भगवान का नाम अगर निकल जाए ना, जी मात्र का कल्याण कर सकता है। आज जिस बच्चे के उपलक्ष्य में उसका नाम क्या दस रखा, तुलसी मैया कहाँ यहाँ पर रहेगी, क्या कर रहे जिसके लिए हो रहे उसको पूर्ण कर देते। हाँ तुम बैठो, इसीलिए हरे कृष्ण, इसीलिए जिसकी उपलक्ष्य में ये भगवत नाम और भगवत कीर्तन होना है, उसको क्या होता है, उसका जीवन का मंगलमय होता है। और जीवन का जितने अमंगल है, जितने दुख कष्ट है, सबसे सब दूर हो जाता है, क्योंकि भगवान का नाम अमंगल को दूर करने वाले भगवान का नाम। पहले यही प्रथा होती, पहले देखना अगर शादी हो, बच्चे का बर्थ डे हो, क्या करते थे, वो केक नहीं कटवाया करते थे, और डिस्को डांस ओवर में उल्टा पुल्टा पी पा करके वो नृत्य नहीं करते थे ना, घर घर में ढोलकी मजरा लेकर के हर चीज में घर में कीर्तन होता था, भगवान की नाम के माध्यम से हर काम हुआ करता था। इसलिए क्या होता था, जिसकी उपलक्ष्य में करते थे उसका कल्याण होता था, उसकी मंगल हुआ करता था। लेकिन अभी धीरे 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 क्या हुआ कि जो पाश्चात्य शिक्षा, वही बढ़िया, जो पाश्चात्य शिक्षा है वो आ करके धीरे धीरे हमारे संस्कार को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। इसलिए सब बच्चे पहले क्या करते थे, प्रात उठई रघुनाथा और मात पित गुरु नमः माता, पहले रामायण होती थी, भागवत होती थी, बच्चों को अच्छे संस्कार पढ़ती थी। इसलिए बच्चे सवेरे उठकर क्या करते थे, पहले पिता माता की सास ससुर की सेवा करते थे। अभी कोई करते हैं, हम जहाँ जहाँ जाते हैं ना, वो एक ही बात कहते हैं, बोलते बाबा बच्चा बात नहीं सुनता है, बच्चा बात नहीं सुनता है, हैं, जब से घर में बहू है तब से घर में लड़ाई। इसलिए घर घर में ना यही नाटक है, कारण है। इसलिए हमारे गुरु जी को बोले, बोले गुरु जी बेटा बात नहीं सुनता है, देख ध्यान देख रहे, बोले गुरु जी बेटा बात नहीं सुनता है। गुरु जी कहते थे रामायण पढ़ते हो, बच्चों को रामायण पढ़ाते हो, बोले नहीं, बोले रामायण जो पढ़ेगा नहीं और बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाएगा ना, उसको यही दुर्गति है। बच्चों को स्मार्टफोन पकड़ा दिया, बोले हाँ स्मार्टफोन देना, बोले दो दे। इसलिए कहते भैया अगर माता जी उन पर बैठे, सब तक पता जी आप खुद बैठे, सब जो आगे बैठ जाएंगे, अब चिंता मत कर। इसलिए गुरु जी कहते थे क्या करो, खुद रामायण पढ़ो और बच्चों को रामायण पढ़ाया करो, क्योंकि रामायण पढ़ोगे, रामायण पढ़ो पढ़ाओगे, फिर बच्चा अगर रामायण पढ़ेगा वो सुनेगा, प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पित गुरु नमः माता। ठाकुर जी सवेरे उठ करके पहले पिता माता की चरण, तुमने इतने और इतने जानवर को तुमने मरवाया, देखना अभी यही करते ना, हम तो कह रहे थे अगर जिस बच्चे का उपलक्ष्य में तुमने इतने जानवर को मरवाया और इतने बोतल तोड़वाया, बोतल तोड़वाना जानते होगी हाँ पीना, वो कहते थे वो बच्चे का कभी कल्याण होगा, वो कहते थे, कहते अगर 100 साल का बच्चा होगा ना, झट उसी दिन 50 साल में आ जाए, उसी दिन 50 साल में उतर आएगी उस दिन। अगर कोई अच्छी कोई संस्कार बनने वाला है ना, सारे संस्कार उसी दिन उसको बिगड़ जाएगी। इसलिए कहते थे भाई ऐसे कोई काम मत करो जिसको ऊपर में बच्चों को ऊपर में कोई बुरे संस्कार पड़े। अगर भगवान की कीर्तन भक्ति को साथ में करो तो अगर जीवन में कोई अमंगल होगा ना, वो अमंगल दूर हो जाएगा। देखो कृष्ण भागवत में कथा थी, जिस समय कृष्ण करवट लिया है, कितने महीना में बच्चा करवट लेता है, 3 महीना में। जब कृष्ण ने करवट लिया, मैया को तो बड़ा आनंद आया, बोले लाला ने करवट ले लिया, आज करवट लेने का आज घर में उत्सव मनाऊंगी। बोले क्या करेंगी, बोले सब ब्रज गोपियों को बुलाओ घर में, आज भगवान का कीर्तन करेंगे ठाकुर जी की। पहले तो यही होता था, कोई भी उत्सव हो ठाकुर जी की कीर्तन करवाया करके थे, सबको बुलाओ और घर का सारे सामान को आंगन को साफ सुथरा करके बैलगाड़ी को रख दिए, दूध दही और कृष्ण को उसको नीचे लेकर दी। बोले अगर लाला का कच्चा नींद टूट जाएगी फिर रोएगा, अभी किसको क्या लेना देना, अगर बच्चा रोया फिर तो सब घर में जो आएंगे उन्हें देखो ना, बच्चे को देखो। इसलिए मैया ने इसको नीचे लेकर दी, लेकर करके बड़े सुंदर भजन गा रहे थे, बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली
भगवान को किसी ने पूछा, नारद जी ने, प्रभु कहाँ रहते हो, आपका कोई अता पता है कि नहीं, घर मकान है कि नहीं? भगवान ने कहा, भैया सब दुनिया की जब घर मकान मेरा क्यों नहीं होगा, बोले थोड़ी बता दो, कभी ढूंढना है तो ढूंढ लो। देखो ठाकुर स्वयं कहते हैं, बोले ना अहम बसामि वैकुंठे जोगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र जायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद दुनिया कहते हैं मैं वैकुंठ में रहता हूँ, कोई कहता है मैं योगियों का हृदय में, बोले मैं कहीं नहीं रहता। बोले कहाँ रहते हो, बोले मत भक्ता यत्र जायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त जन बैठ करके मेरे कीर्तन करते, मेरे सत्संग वही रहता हूँ। इसलिए जिस घर में ठाकुर का कीर्तन कथा होना, ठाकुर जी वहीं पर आ जाते, वहीं पर। अगर उल्टा सुल्टा डिस्को ध्यान है, अगर उल्टा पुल्टा गाओगे तो वहां पर भगवान गाएंगे। इसलिए कभी भी उल्टा पुल्टा गाना थाना फिल्म की नहीं गानी चाहिए, गाओ तो ठाकुर जी की कीर्तन, ठाकुर जी की नाम को करो, जहाँ पर ठाकुर जी वहीं पर ठाकुर जी आ जाए, ठीक है ना। देखो अभी गोपियां कृष्ण कीर्तन कर रही थी, अभी कृष्ण को लेटा रखे रखती, अभी कृष्ण की नींद खुल कर देखा, भैया मेरे को कहाँ लेटा दिया, मैं तो गोलोक वृंदावन छोड़कर आया हूँ, ये कीर्तन का आनंद लेने के लिए आया हूँ, हैं? और मेरे को कीर्तन से उन्होंने किया कि अलग करके उन्होंने अलग कहाँ लेटा दिया। देखो भगवान को सबसे भगवान को सबसे ज्यादा कीर्तन की आनंद किसको लगता है, जैसे हमें भगवान कीर्तन भक्ति कर रहे हैं हमें आनंद आ रहे, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद किसको लगता है, ठाकुर जी। ठाकुर जी जितने आनंद होते हैं ना, और किसी को इतना आनंद नहीं आता है भगवान के कीर्तन में जितना आनंद है ठाकुर जी को। इसलिए बोले सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन, जहाँ ठाकुर का कीर्तन होना, ठाकुर जी स्वयं आकर वहां पर ठाकुर जी नाचना शुरू कर देते हैं, ठाकुर जी नाचना शुरू कर देते हैं। अभी कृष्ण ने देखा, भैया मेरे कीर्तन मेरे उद्देश्य सब कुछ मेरे लिए, और मेरे को क्या किया, कीर्तन से उन्होंने अलग हमें लेटा दिया। अभी कृष्ण चाहते हैं, भैया मैं भी कीर्तन का थोड़ा आनंद तो लूं। अभी कृष्ण, अभी तो कृष्ण 3 महीना के पहला दिन करवट लिया, कृष्ण ने सोचा अगर मैं रो लूं ना, भैया मेरे को गोद में उठा कर ले जाएंगे, कृष्ण तो रोना शुरू कर दिए, वाह वाह वाह। लेकिन मैया घर का काम काज में इतने व्यस्त थी, और बड़ी जोर तोर से भजन कीर्तन हो रहा था, मैया को कान में तो आवाज पड़ी नहीं। कृष्ण ने सोचा, भैया कितना रो, इतना तो रो लिया, मैया तो उठा कर ले जाए। इतने में कृष्ण जोग माया को बुलाए, और जोग माया ने कंस को प्रेरणा की, कंस ने त्रिना उन्होंने सकटासुर को भेज दिया, कहा जा रहे हो, इसलिए उन्होंने अभी उन्होंने क्या किया, कृष्ण सकटासुर आ गया, और सकटासुर कृष्ण को सोचा बैलगाड़ी को नीचे है, मैं धीरे धीरे इसको मैं दबा दूं तो कृष्ण पीछ जाएंगे, हैं? इसलिए जब दबाने गए ना, कृष्ण अपना चरणों को ऐसे मारे, सारे बैलगाड़ी को तोड़ फोड़ दिए, जितने दूध दही को उन्होंने तसनस कर दी। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, देखो इसमें एक अच्छी शिक्षा बताए, हो रही थी उत्सव, लेकिन उन्होंने क्या किया, कृष्ण को उत्सव से अलग करके बैलगाड़ी को नीचे लेटा दिया, घर का सामान को कहाँ रख दिया, बैलगाड़ी को ऊपर में, और कृष्ण को नीचे लेटा दी, मतलब है भगवान को कर दिया नीचे, और घर का सामान को रख लिया ऊपर, मतलब जितने कोई घर में उत्सव हो, देखना सारी यार दोस्त को बुलाएंगे, पता नहीं कितने बोतल पिलाएंगे, कितने मांस उल्टा सीधा काम कराएंगे, हैं? लेकिन भगवान से कोई मतलब नहीं, ठाकुर जी से कोई मतलब नहीं, जिसने तुम्हें दुनिया दिया, दुनिया जिसी का है उसके लिए कुछ नहीं, भूतों को बुला करके और शराब पिला पिला करके मांस खिला खिला कर नचा रहे। इसलिए भगवान ने बोले मेरे को भजन हो रहा है मेरा, और मेरे को भजन कर दिया उल्टा, उत्सव से मेरे को निकाल दिया, घर का सामान को रख दिया ऊपर, नीचे रख दिया मेरे को, कृष्ण ऐसे ठोकर मारे ना, सारे बैलगाड़ी को पलटा दिए, सारे दूध दही तसनत कर दिए। भगवान कहते अगर उत्सव, उत मतलब होता है निकाल देना, मतलब जिस उत्सव से भगवान को तुमने निकाल दिया, रह गया सब, सब मतलब होता है मरा हुआ है, वो भूतों का ध्यान से हैं, उल्टा पुल्टा पिक्चर का गाना में जो नाचते हैं वो भूतों का गान और भूतों का नाचना है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, फिर सब रह जाएगा, मरा हुआ रह जाएगा, और नहीं तो इसे मैं मारूंगा लात ना, सब तसनत कर चुका, मतलब क्या,
अगर भगवान को निकाल करके दुनियादारी के लिए करोगे ना, देखो ये चीज को समझो, लक्ष्मी हर चीज पैसा से खरीदी करते हैं, पैसा लक्ष्मी, लक्ष्मी किसकी है? नारायण की, लक्ष्मी तुम्हारी नहीं। अगर ये लक्ष्मी नारायण की सेवा में नहीं लग करके, अगर ये लक्ष्मी को शराब से, लक्ष्मी को मांस में लगा रहे हो, बताओ लक्ष्मी खुश होगी? लक्ष्मी खुश होगी? बोले तुम मेरे को, मैं तो नारायण की और मेरे को तुम भगवान की सेवा में नहीं लगा करके उल्टा पुल्टा काम में लगा दो, फिर लक्ष्मी क्या करेगी? दुख कष्ट ले जाएगी, फिर घर घर में लड़ाई झगड़ा अशांति बीमार दुख कष्ट है, ऐसे उल्टा पुल्टा चीज में उलझ जाती ना, फिर तो दुखी दुखी हो जाते हैं। इसलिए कहते कोई भी उत्सव हो, अगर हम भगवान को लक्ष्य करके उनका कीर्तन हो सत्संग, जैसे हमारे संतोष जी माता जी, तुम्हारे प्रभु जी का नाम क्या है? सुखबीर। हाँ देखो इन्होंने जैसे भक्तों बुलाया घर में हरि कीर्तन, हरि चर्चा, अभी जैसे कीर्तन हो रहा था ना, क्या लग रहा था? लगा था ना वृंदावन नाच रहा था भगवान का काम, दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले से, इतना सुंदर सुंदर भजन गा रहे थे, झूला की भजन, बाकी बिहार की भजन, भैया नाचो है ना, ठाकुर का भजन में नाचो ना, उल्टा पुल्टा हाँ उल्टा पुल्टा हाँ गाना में क्यों, ठाकुर का भजन में नाचो, खाओ ना भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाओ, हैं गाना है ना। कहते ना पार्टी में तीन चीजें होता है, ईटिंग डांसिंग और सिंगिंग, ईटिंग डांसिंग और ईटिंग, ईटिंग सिंगिंग डांसिंग, खाना होता भगवान को भोग लगाकर खाओ ना, गाना हो तो ठाकुर का भजन गाओ, नाचना होता ठाकुर जी की भजन में नाचो, बस कल्याण ही कल्याण है, मंगल ही मंगल है। इसलिए आज जिस बच्चे के ऊपर लक्ष्य में देखो, बच्चे का माँ कहाँ गई? देखो इधर सुना, ध्यान दे कर, ये बच्चे का अक्षर दर्द निकला है, बच्चे का अक्षर दर्द में, बच्चे का अक्षर दर्द में निकला है, हाँ बच्चे का अक्षर दर्द में निकला। देखो ध्यान देकर सुनो माता जी, कोई भी अक्षर निकलता अच्छी बात है, उसमें पहले रख करके ठाकुर का नाम रखो, उसमें क्या होगा, जैसे अजामिल छोटा बच्चा का नाम नारायण रख लिया, सबसे छोटा बेटा ज्यादा प्यारा होता है, अब उसने नारायण नारायण नाम लेते 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 जो हम कर्म करते हैं काय मन बाकी जमदूत लेने के लिए आए, उनकी विकराल रूप देख करके दूर से बच्चों को खेलते हुए देखा, छोटे बच्चे को बोले बेटा नारायण नारायण, चार अक्षर जमदूत, एक तरफ में, एक तरफ में विष्णुदूत आ गए, दोनों में घमासान लड़ाई हुई, इसको कौन ले जाएगा? जमदूत कहते ये पहले ब्राह्मण घर में जन्म लिया, अपना पत्नी त्याग दी, वेश्या को साथ में रहा, उसको हाथ में अमेध्य कुमेद उसने खाई और 10 बच्चे हुए, उनको पालन करने के लिए चोरी डकैती सब कुछ किया, आज सीधा नरक जाएंगे। विष्णुदूत ने कहा भैया पुण्य भी तो कुछ किया, बोले पुण्य क्या किया, बोले अभी जो नारायण नाम लिया, बोले वाह जिंदगी भर पाप करो मरते समय नारायण बोल दे, हो गया हो गया। देखो विष्णुदूत क्या कहते हैं, जैसे रूई का के ढेर हो, आग की एक चिंगारी पड़ जाए ना जला करके राख कर देता है, जैसे भूस का ढेर हो आग की एक चिंगारी पड़े तो जला करके राख बना देता है, इसलिए भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु, भगवान के नाम भगवान से भी बढ़ करके है। तब उन्हें देखो फिर एग्जाम्पल दिए जमदूत ने, बोले भगवान को कब बुलाया, वो तो अपना बेटे को बुलाया, अपना बेटे को बुलाया भगवान को बुलाया उसने, तब उन्होंने बोले चार ही तरह से भगवान का नाम कल्याण करता है, सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम और हेलम, ये चार ही तरह से, पहला नंबर है सांकेत्यम, सांकेत्यम मतलब होता है इस तरह करके, जैसे बेटे का नाम कन्हैया राम श्याम रख लिया, बारम्बार उसको बुला रहे श्याम राम, ये इस तरह है संकेत, फिर इसी से भी जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए बोले भैया तो अपना बेटे को बुलाया भगवान को नहीं बुलाया, देखो बोले देखो उसका जो नाम है किसका नाम है, ठाकुर जी का नाम, नाम किसका है, ठाकुर जी का नाम, वो ठाकुर जी का नाम को दिया, नाम तो ठाकुर जी का है ना, नाम तो ठाकुर जी का है ना, इसलिए भगवान का नाम उसकी माता जी सुन लो, इसलिए जितना बार जीवा से तुम्हारे नाम निकलेगा तुम्हारे जीवा का कल्याण होगा, बच्चा जितना बार कान में पड़ेगा बच्चा का कल्याण होगा, जितना बार घर में भगवान के नाम गुंजेगी घर के 10 10 बोलने से क्या होता है, बताओ बताओ 10 बोलने से तुम्हारी क्या लाभ है, जैसे मेढक जैसे जीवा टट्टर 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 करता है ना,
सर्प आकर निगल जाता है, भागवत में बताया। अगर जीवा से प्रभु का नाम नहीं निकलेगा, काल रूपी सर्प आकर एक दिन ग्रास कर लेगा। दस दस बोले से कुछ नहीं होता है, इसलिए बोला तो दामोदर बुलाओ है, भगवान का नाम दया निधि दामोदर है, दीनबंधु, ये भगवान का नाम है। अभी फैशन निकले गया ना, वेस्टर्न कल्चर आ गया है, इसी कारण से पहले नाम था ना भगवान के नाम, टुल्लू बुल्लू टिंकी पिंकी, विदेश में कुत्तों का नाम चल गया, ये विदेश में कुत्ते का नाम है, इसलिए कहता है सब पुराना नाम था। अभी सब नया मॉडल आ गया, अंग्रेजी बच्चों को पढ़ाएंगे हैं, अंग्रेजी बच्चों को पढ़ाएंगे और लास्ट में लाख मारेंगे हम। इसलिए बच्चे का नाम भगवान का नाम बुलाना, बोले बाबा ने नाम दिया दामोदर नाम दिया, भगवान का नाम लो जिसमें कल्याण है। दस 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 नहीं बुलाना उसको, उसको बाबा को भी बोल देना बूढ़े हो गए सठिया हो गए सब। इसलिए बोले भगवान का नाम तुम्हारी क्या नाम है, बाबा का नाम क्या है, क्या नाम है, देखो घन सिंह नाम दिया ना भगवान का नाम है, रण सिंह तभी नाम ये भगवान के नाम देते। इसलिए पहले भगवान का नाम राम कृष्ण गोविंद नाम, इसलिए बच्चों का नाम क्या रखो, भगवान की नाम पर रखो, जिसमें बारंबार मुंह से ठाकुर का नाम निकले तो तुम्हारी कल्याण और बच्चे का भी कल्याण, ठीक है। हाँ हरे कृष्ण, ए तुम बोलो तो हरे कृष्ण, हाँ दो हरे कृष्ण। अभी हमने प्रभु जी से महाराज जी से बड़ी सुंदर कथा सुनी, बढ़िया एक मिनट बढ़िया, उसी चीजों को बस एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आप इधर आ जाओ ना, आप इधर काम कर दो, हो गया हो गया। तो बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्यों, अभी देखो जिस उपलक्ष में आप यहाँ पे आए हैं, क्या उपलक्ष है, एक छोटे बच्चे का दो मासा मना रहे हैं, इधर आ जाओ, ठीक है, दो मासा मना रहे हैं। तो एक चीज ये ध्यान रखेंगे, जो जिन बातों को महाराज जी से हमने सुना सुना, ये मनुष्य जीवन मिला किसलिए, इसके बच्चे के माता पिता केवल हम उनको सुनाने के लिए नहीं आए, समझना इस चीज को, इस बच्चे को सुनाने के लिए नहीं आए, इसके माध्यम से आप सबको समझाने आए हैं यहाँ पे महाराज जी, इस चीज को समझना पड़ी, ठीक है। ये मनुष्य जीवन मिला है किसी चीज के लिए हमें, किस चीज के लिए मिला है, रोटी बोने के लिए, हाँ सास की गाली खाने के लिए, किस लिए मिला है, पति की गाली खाने के लिए, फिर किसके लिए मिला है, अच्छी सी साड़ी पहनने के लिए, भूखाएंगे इसको आपके ये बच्चे, जिन बच्चों को करते हो ना इतना पूरा जान लगा रहे हो सुबह से लेकर रात तक पति की और रिश्तेदारियों को, ये भूख के आएंगे आपको। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ये रिवाज बना, क्या डाला वो एक रिचुअल बनाई, क्या कि बेटा क्या करता है, कपाल फोड़ता है, फोड़ता है नहीं फोड़ता, आजकल तो वो भी नाम का हो गया, टच करके छोड़ देता है शमशान में, वो भी छोड़ देता, वरना असली में फोड़ा जाता था। क्यों फोड़ता था, कहता देख तुम मर गया, सारी जिंदगी तेरे को अकल तो थी नहीं, ठीक है, और मेरा भी ये फूटेगा। क्यों, क्योंकि हमने इस सनातन धर्म को, इस भक्ति को अपनाया नहीं, समझ में नहीं आया कि सारी जिंदगी जिस शरीर को सजाते रहे संवारते रहे, लास्ट में उसको फुटाया, ये किसी विशेष मकसद से मिला था। आप खुद सोचो, ये छोटा सा बच्चा है, थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा सा बड़ा होगा मान लो, चलने लग गया, अब इसकी मम्मी ने, इसकी मम्मी को इसके पिताजी ने कहा कि ये पैसे लाया हूँ कुछ बिजनेस के, ये रख ले अलमारी में, मम्मी थोड़ी देर के लिए वहीं रख गई टेबल पे, और पैसे क्या थे, दो दो हजार के नोटों के तीन गुत्थियों। बच्चा देख रहा है, वो कागज ढूंढ रहा था, दिवाली का टाइम था, उसने एक गड्डी उठाई, एक गड्डी जला दी, दूसरी गड्डी जलाने वाला ही था, इतने में माँ आ गई। अब क्या करेगी माँ, बच्चे के क्या करेगी, मारेगी, एक साल के बच्चे डेढ़ साल के बच्चे को क्या मार लेगी बेचारे, रोएगी थोड़ी सी, ठीक है। यही बच्चा फिर पांच साल का हो जाता है, फिर एक गड्डी चलाता है, फिर क्या करोगे, फिर वो पिटेगा जितना जितनी वो सह सकता है, फिर सेवा होगी। और वो ही 16 साल का हो जाए, 18 साल का हो जाए, फिर क्या हालत होगी, फिर क्या होगा सोचो। और वही अगर 40-50 साल का होके करे, फिर क्या होगा, फिर क्या करेगा, नहीं उसको, अगर आप तक ताकतवर हो उसके साथ क्या करोगे, मान लो
आप ही के घर में आप ही कर दो, अपने बेटे की गड्डियां जला दो, दो चार क्या करेगा वो। मारेगा मतलब, कहने का मतलब क्या है, उन कागज के नोटों को हमने इतनी वैल्यू दे रखी है क्योंकि हम उसकी वैल्यू समझते हैं कि भाई इससे सामान आता है। ये शरीर की वैल्यू समझिए, समझाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं भाई। महाराज जी इतने सालों से आ रहे हैं, हर साल समझा रहे हैं, हमें कितना समझ में आया, आया समझ में हमारा सनातन धर्म हमारे को ये चीज बार बार समझा रहे। देखो स्कूल कॉलेजों में ये चीज नहीं मिलने वाली। स्कूल कॉलेज क्या बना रहे हैं आज की डेट में, हमने भी पढ़ाई करी है, इंजीनियरिंग करी, एमबीए करी, बहुत पढ़ लिखी है, पर एक चीज समझ में आई, वहाँ कुछ भी ढंग का नहीं समझाया। आपको सोचो इतने पैसे खर्च करके अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो और वो फिर आके आपसे कैसे बात करते हैं, ओए ज्यादा मत समझा हमें, ज्यादा मत समझाओ हमें। और पहले मैं इसको बुरा नहीं मानूंगा, पर समझना पहले स्त्रियां ज्यादा स्कूल नहीं जा पाते, तो छह पढ़ ली, छठी पढ़ ली, आठवीं पढ़ ली, शादी कर दो, उसके हाथ के लिए कर दो, वो ज्यादा समझदार निकली, वो ज्यादा संस्कारी निकले। और आजकल के बच्चे जो इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं या डॉक्टरी भी पढ़ रहे हैं, क्या समझदार है, उन्हें बड़े से कैसे बात करनी है यही समझ में नहीं आ रहा। आप खुद सोचो, बच्चों भी यहाँ पे बैठे हो ना, खुद सोचना कि हमारे माँ बापों ने अपने माँ बापों की इतनी सेवा करी, कांप जाते थे। पर पिता, पिता एक ऐसी फिगर होती थी, पिता नाम ही ऐसा होता था, नाम ही काफी है, पापा है नहीं अभी, पर पापा का नाम ही काफी। माने ये कहते ना, पापा को बताऊं, नहीं नहीं पापा को मत बताना। और आज के डेट में अरे किसी को भी बताते हैं। तो सोचो कि इन्होंने अपने माँ बाप की ऐसी सेवा करी, तब आप जैसे बच्चे मिले, तब आप जैसे बच्चे मिले हैं उनको, जो कि उनकी कितनी बात मान लेते हैं, कितना कहना मान लेते हैं। तो अब आपको सोचो आगे चल के कैसे बच्चे मिलेंगे, समझ रहे हो ना, जैसा बोगे वैसा ही मिलेगा। तो इन्होंने अपने माँ बापों की इतनी सेवा करी, तब जाके ऐसे बच्चे मिले हैं। तो अब बच्चों तुम्हारी भारी है कि सोचो अगर हमने अपने बाबों की तरह से भी सेवा नहीं कर रहे, बात नहीं मान रहे, समझ नहीं रहे, तो हमें कैसे बच्चे मिलेंगे। अभी तो तुम उल्टा बोल देते हो, तुम्हारे वाले तो सीधा कान पे लगा देंगे कि टाइम चेंज हो गया है। तो इसीलिए ये मिलजुल के, खाली यही नहीं कि माँ बापों का ही फर्ज बनता है, बच्चों आपका भी फर्ज बनता है कि हम भारत में आए, सनातन धर्म में आए, ये महाराज जी यहाँ पे आते हैं, भक्त लोग आते, कीर्तन होता है, इसका मतलब क्या है। पूछो माँ बापों से कि हमें भी तो समझाओ कि ये नाम है क्या, ये चीज क्या है। और माँ बापों को भी करो घर पे जबरदस्ती, क्या पेन दिया था बच्चों के हाथ में जबरदस्ती, एबीसीडी लिखवाई थी जबरदस्ती, नहीं लिखवाई थी, ट्यूशन पढ़ने भेजते हो नहीं भेजते हो, जब ट्यूशन पढ़ने भेजते हो इतने बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में भेजते हो, तो मंदिर क्यों नहीं लेकर आते, क्यों नहीं लेकर आते मंदिर। अरे थोड़ी देर उधम मचाएंगे, हम भी पकड़ लेंगे इनको, पर लेकर क्यों नहीं आते मंदिर इनको। कल को ये अगर उल्टा पुल्टा बोलेंगे ना आपको बड़े होके, तो उसमें गलती किसकी है, आपकी ही है। और बच्चों इसका मतलब ये नहीं कि माँ बापों की गलती है, तुम्हारी भी गलती है, इसलिए भजन करो। भजन करो और बच्चों को भी भजन में लगा। देखो ये ग्रेटर नोएडाई कथा, ध्यान देकर सुनो, ग्रेटर नोएडाई कथा कुछ दिन पहले पेपर में आया होगा। उनने दो बच्चों को अमेरिका में भेजा पढ़ाई करने के लिए, दोनों बच्चे अमेरिका में पढ़ने के लिए गए और बढ़िया पढ़ाई किया, बढ़ाई नौकरी कर दी। अभी दोनों बच्चे आए भारत में और पिता माता को बोले, बचपन में भेज दिया, उनके संस्कार बड़ी, देखो क्या संस्कार है। अब इधर आए, बोले पिता माता को, बोले देखो आप यहाँ पर क्यों रहोगे, चलो हमारे साथ में विदेश में चलो, हम तो दोनों बच्चे सेटअप हो गए। उन्हें सारे बहुत बड़े धनी व्यक्ति था भारत में, उन्हें सारे प्रॉपर्टी को भिजवाया, भिजवा करके बोले चलो हम चलते हैं अमेरिका। उनको ले गए एयरपोर्ट को, सामने खड़े कर दिया, बोले ट्रली लेकर के आ रहे हैं, बोले 10 मिनट हो गया आए नहीं, 20 मिनट हो गया आए नहीं, आधा घंटा हो गया, 2 घंटा, बोले भैया ट्रली निकली तो पास में है। उन्होंने फोन लगा कर देखा, बच्चों ने सारे प्रॉपर्टी बेच करके पैसा लेकर के पिता माता को मेन रोड में खड़े करके चले गए अमेरिका। ज्यादा लिखाई पढ़ाई करोगे ना, बच्चे ऐसे करेंगे। अगर पढ़ाई को साथ में संस्कार दोगे बच्चों को, कितने पैसा दिया ये बड़ी भारी बात नहीं, कितने बच्चों को संस्कार दिया ये बड़ी भारी बात है। इसलिए रामायण पढ़ो, बच्चों को रामायण पढ़ाओ, भागवत पढ़ो, बच्चों को भागवत पढ़ाओ, भक्ति करो, बच्चों को भक्ति कराओगे ना, बच्चे अच्छे संस्कारी बनेंगे, फिर तुम्हारे जीवन में सेवा करेंगे। ठीक है, बड़े श्री वृंदावन बिहारी। एक भजन करो जी, एक कोई बधाई गा लो, एक बधाई गा लो, फिर इसके बाद भोग लगा रहे ना ठाकुर जी को, ऊपर भोग लगा दिया ठाकुर जी को, लगा दिया ना भोग, वो ऊपर में ठाकुर है ना घर में, ठाकुर यही ले आए।
जल्दी जल इसको बोला बस जल्दी बोल जाओ प्रसाद ले भोग लगा दो नहीं तो ऊपर ठाकुर होगी तो भोग लगा दो जो माला लिए हो तो माला कर रहे कि नहीं तो हरि नाम कर रहे ना हाँ तो हरि नाम करना माला आलवा से नहीं रखना तो हरि नाम करना रोज तिलक लगाना ना जी पूछना किन की माला अलमारी रखी किन की माला अलमारी रखी सब माला जम करके ओ नंद के लाला